खाली ऐसे मुंह से निकल गया और फिर दे वेंट एंड गॉट द टाइटल. दैट्स हाउ इट हैपेंड. आपकी उम्र बढ़ रही है, आप क्या कर रहे हैं, आप घर पे नहीं बैठ सकते, इस वक्त तो प्राइम है, ये है वो है. तो थैंकफुली मैंने ये सब सुना नहीं. मुझे ऐसा लगता है पर आपको ऐसा नहीं लगता. स्ट्रेट बैक टू गणेश टू गौरी, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? वेल थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द कॉम्प्लीमेंट बिकॉज़ वी ऑल वर्क एक्सट्रीमली हार्ड. ही इज द रीजन यू सी गणेश गौरी नवीन द वर्क्स. एंड आई थिंक what makes it inspiring is that it is the story of a very inspiring lady and we all love Gauri Sawant. jab se unki kahani ke bare mein humne research kiya padha hame aisa lagta hai ki kyunki humne kisi ka naam suna hai to hum unke bare mein bahut kuch jante hain lekin jab aap research karte hain aur unke bare mein padhte hain unse milte hain to aapke sare perceptions, preconceived notions badal jate hain. And I think the most incredible thing that has happened through the journey of Tali is that the things we took for granted, humne sikha ke kitne log hain hamare desh mein hi, duniya mein to hain, hamare desh mein bhi, jinhe wo naseeb nahi hota. So it has been an honor being a part of Tali and to bring the story to life. He's the reason. अब फिल्म सिलेक्ट करने के पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे तो बहुत ही सिंपल रीजन था कि मैंने हमेशा से इंक्लूजन में बहुत बिलीव किया है, हमेशा से. लेकिन जो भी हमारी सोच हो, कितनी भी नेक सोच हो, जब तक यू डोंट गेट टू एक्ट ऑन इट, टू डू समथिंग अबाउट इट, you don't feel like you were a part of the solution. I wanted to be a part of the solution. So when Tali was offered to me, it was a huge honor and a huge challenge. Everything rolled into one. But when you have a fantastic team, the cast, the crew, amazing director who's made it a very good habit to win national awards, so it then becomes easy to then just say I trust and I surrender. फिर ऊपर वाले की मर्जी. ताली, ये जब टाइटल सुना आपने तो पहली बार दिमाग में क्या आया? ताली की एक कहानी है टाइटल की. हाँ, वो सुनाए सर. तो एक्चुअली इट वाजंट कॉल्ड ताली बिफोर, और जो नाम हमने रखा था उसका कुछ टाइटल का चल रहा था प्रॉब्लम. तो अष्टमी था उस दिन, दुर्गा पूजा, और हम लोग शूटिंग कर रहे थे. तो हमारे दोनों प्रोड्यूसर कार्तिक एंड अर्जुन वैन में आए और उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम है, हमें ये टाइटल नहीं मिल रहा है. तो हम सोच रहे हैं शुड वी कॉल दिस, शुड वी कॉल दैट. तो ऐसे ही मुंह से निकल गया मेरे कि नहीं, इट शुड बी अ वेरी जेनेरिक नेम, ऐसा नाम जो हर कोई अपना सके, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए उस नाम में, और वो जो सेलिब्रेट करे एक कम्युनिटी को, इससे इसके बजाय कि हम उससे शर्मा जाएं या हम कहें नहीं ये अच्छी बात नहीं है, हम इनफैक्ट सेलिब्रेट करें, जैसे कि लाइक ताली. ऐसे मुंह से निकल गया और फिर दे वेंट एंड गॉट द टाइटल. दैट्स हाउ इट हैपेंड. मैम, आपने कहा अभी कि परसेप्शन चेंज हुआ, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आज भी एक अलग नज़रिए से देखा जाता है. तो जब आपके पास ये मूवी आया एंड आई मीन वेब सीरीज आया, आपके पास ये कैरेक्टर आया, उसके पहले आपका एक पर्सनल परसेप्शन क्या था, एंड आफ्टर गौरी सावंत को मिलने के बाद और ये रोल प्ले करने के बाद वो चेंज क्या हुआ? आई थिंक बहुत प्यारा सवाल है बिकॉज इतना ही फर्क है मिलने से पहले और मिलने के बाद, कि पहले मुझे लगता था मुझे बहुत कुछ समझ में आता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, लेकिन गौरी को मिलने के बाद उनके जो कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग भी की है हमारे शो में, उन सब की कहानियाँ सुनने के बाद आई काइंड ऑफ केप रियलाइजिंग हमें कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था एक्चुअली, बहुत कम पता था. लेकिन मुझे तब भी हमदर्दी थी, अब भी हमदर्दी. इट्स नॉट समथिंग न्यू टू मी.
किसी भी सोसाइटी के हिस्से को जहाँ पर उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, उन्हें जिंदा तक नहीं मानते, मतलब हमने ये ताली में कहा भी है, तो उनके लिए शुरू से मुझे ऐसा लगता है दैट उन्हें इंक्लूड करना और उन्हें उनके ज़िंदगी को डिग्निटी से जीने का मौका देना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है. We should always try and find ways to be their voice. So that's the only difference. No, I think a better. Let's ask the important people, the people who made this vision. I think a better person to respond to this is Ravi sir, and then Ankur purely because he's a man. Please, sir. एक्चुअली नज़रिया सिनेमा या वेब सीरीज ऐसा मीडियम है जो बेसिकली आपके सामने एक मिरर रख सकता है, एक आईना दिखा सकता है समाज को कि क्या हो रहा है आपके आजू बाजू में. एक कहाँ तो एक डिस्कशन शुरू होता है और वो सब्जेक्ट लोगों को मालूम पड़ता है हमारे आजू बाजू में ये शुरू है आज की तारीख में. तो आज तो कहाँ तो डिस्कशन शुरू करने के लिए ऐसी कहानियाँ हम बार बार लोगों को बता रहे हैं और आई एम श्योर कि जो रिस्पॉन्स लास्ट तीन चार दिन से हम देख रहे हैं, एक डिस्कशन डेफिनेटली शुरू हुआ है. चेंज हुआ कि नहीं मालूम नहीं, बट डिस्कशन डेफिनेटली शुरू हुआ है. नजरिया मेरा तो खुद का नजरिया बदल गया क्योंकि मुझे इतने चीज़ें नहीं पता थी कि ऐसा होता है इन लोगों के साथ. आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब नहीं है इनके पास. तो ये सारी जो हार्डशिप इनकी है वो तो मुझे शो पे आने के बाद पता लगा जब मैं पढ़ी स्क्रिप्ट कि इतनी लाइफ में ट्रॉमाज हैं इनको जो किसी को भी नहीं पता, मुझे ही नहीं पता जबकि मैं अच्छा खासा एजुकेटेड हूँ. तो आई एम श्योर ये सीरीज देख के बहुत लोगों की आंखें खुलेंगी. या नो ये बात ने उनकी दिल की सुन ली.